السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ये अम हज चल रहे हैं और हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि रमजान के बाद से अयाम हज शुरू हो जाते हैं शवाल, यादा और फिर ज़ुलज़ा ये अयाम ज़ुलिजा के शुरू के अयाम ये अयाम हज हैं और हज फ़र्ज है हज करना फ़र्ज़ इबादत है बदकस्मती की बात है कि इस फ़र्जियत के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बहुत बातें नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर हज फ़र्ज होता है लेकिन वो हज पर नहीं जाते हैं तो में दिल में आई बात के अभी शवाल का महीने का आखिर है और हज के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं तो इसके बारे में बात की जाए क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हज है क्या हज एक आशिकाना इबादत है हर इबादत की एक अपन, एक अपना मिजाज है मिसाल के तौर पर जो नमाज है उसके अंदर खशियत गालिब है वकीन मक्का लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोकते थे तो अल्लाह ने कि कि ये लोग जो लोगों को मस्जिद में आने से रोकते हैं इनको चाहिए तो ये था कि यह ख़ुद मस्जिद में दाखिल होते हैं इस हालत में कि इनके दिलों में एक खौफ होता है एक खशियत की कैफियत होती तो इससे पता यह चला कि जो नमाज है उसके अंदर खशियत का खशियत गालिब है जब अल्लाह अकबर के कि अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो दिल में एक अल्लाह ताला की खशियत होनी चाहिए एक ओ होना चाहिए कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ अल्लाह अकबर से शुरू करके उसके बाद इंसान दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है उससे मावरा होकर उससे अलग थलग होकर अल्लाह ताला की याद में डूब जाए और असल में तो नमाज़ यही है और इंसान जिस तरीके से खड़ा होता है वक्म क़ानितीन अल्लाह ताला, ताला ने हुक्म दिया कि अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हो जैसे कि एक एक ग़ुलाम होता है एक सबमिशन की हालत होनी चाहिए एक एक ओबीडियंस एक की हालत होनी चाहिए एक ताबेदारी की कैफियत होनी चाहिए यह है नमाज इंसान की हैयत बता रही होती है अल्लाह पर सर झुका हुआ हाथ बंधे हुए हाँ फिर उसके अंदर रुकू फिर उसके अंदर सुजूत अपना माथा जो इंटेलेक्ट इंसान का जो अकल है वो इंसान ज़मीन पर अल्लाह के सामने रखते इससे ज़्यादा और क्या इंसान अपने आप को नीचा कर सकता है अल्लाह के सामने तो नमाज की कैफियत है कि उसके अंदर खशियत गालिब है रोज़ा उसकी उसकी कैफियत यह है कि उसके अंदर मोहब्बत गालिब है मोहब्बत में इंसान खाना पीना छोड़ देता है जिसको कभी मोहब्बत होती है तो फिर मोहब्बत में उसको कुछ समझ में नहीं आता वो बस अपने महबूब के पीछे ना उसे खाने की परवाह ना पीने की परवाह कोई परवाह नहीं होती उसको रमज़ानमारक तो के अंदर इंसान ख़र्च करता है ख़र्च करने की इतनी तरकीब दी गई है इंसान अपने महबूब के लिए माल खर्च करता है उसके उसकी याद में खाना पीना तक छोड़ देता है उसका कलाम पढ़ता है कुरान शहर वरमान अलज़ी अनुन ज़िला फ़ील कुरान कुरान की तिलावत की तरगीब रमज़ान मुबारक के अंदर अपने महबूब का कलाम पढ़ता है तो उसके अंदर मोहब्बत की कैफियत गालिब है ये जो हज है इसके अंदर ये दोनों का इम्तज़ाज है खशियत और मोहब्बत का एक इम्तज़ाज है इसके अंदर लेकिन जो चीज़ गिब है हज के सफ़र में वो इश्क है वो इश्क़ है वैसे खशियत जो है ना वो इश्क और खौफ का के के इम्तज़ाज का नाम होता है तो नमाज में मुझे कहना ये चाहिए कि खौफ गालिब है रोज़े के अंदर मुहब्बत गालिब है और हज में मुहब्बत और खौफ गालिब है जिसको खशियत कहते हैं लेकिन अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो मोहब्बत है इश्क है इसके अंदर भी इंसान दुनिया से बिल्कुल हट कट के दुनिया से बेपरवाह होकर अपने महबूब के घर के चक्कर लगाता है असल में हज होता है बैतुल्ला का आ, वो ला ही से हज जुलब ही थी वन इस सबीला अल्लाह के लिए लोगों पर वाजिब है फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के घर का बैतुल्ला का हज करें जो भी इस रास्ते में जाने की इस्तात रखता है तो अल्लाह ने एक ऐसी जगह जिसको अल्लाह सुबहाना घर कहा है बड़ी अजीब बात एक ऐसी जगह जिसको अल्लाह सुभान व ने कहा कि ये मेरा मेरा घर है अल्लाह ताला ने नबी सेइन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया कि बेतुल लघ की तामीर करो कि वो अदन फि الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامن یاتینا من كل من كل فج نعमीक खैर यहाँ पे इस आयत में तो नहीं अल हाँ उससे पहले वह वन इब्राहीम मकान अल्बई थी अल्ला तोश भी शैन व तोाहिर बई थी लाफ़ी वल्का इमीना वक्ा इस सजूद ने फरमाया कि याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम को इस घर यानी काबतल्ला की जगह बता दी और ये हिदायत दी थी कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना और मेरे घर को इन लोगों के लिए पाक रखना जो या तवाफ़ करें और इबादत के लिए खड़े हों और रुकू और सजा करें तो अल्लाह ताला ने इस जगह को अपना घर कहा है अपना घर अल्लाह का घर ये क्या चीज़ है बईती मेरा घर असल में अल्लाह ताला उसमें रहते नहीं है। तो नहीं हैं तो अल्लाह ताला ने जो नस्बत की है ना कि ये मेरा घर है तो उस वो अपने बंदों के लिए अपने मोहब्बत के इजहार के लिए उसको कहा है कि ये मेरा घर है देखिए जिससे मोहब्बत होती है इंसान चाहता है उसके घर जाए जिससे मोहब्बत होती है इंसान चाहता है मुलाकात करें अब इस दुनिया में अल्लाह सुबहाना तौला से मुलाकात मुमकिन नहीं है मुलाकात के लिए तो दूसरे जहान जाना पड़ेगा और इन जाएंगे हम सब जाएंगे मैं भी जाऊँगा आप भी जाएंगे सारे लोग उस जहान में जाना है अल्लाह से मुलाकात होनी है लेकिन उस मुलाकात के लिए ज़रूरी है कि हम उस पुल को पार करें जिसको कि मौत कहते हैं अलमाउ उजसर उनूसिलहबीब मौत वो पुल है जो कि एक एक हबीब को अपने हबीब से मिला देता है इस दुनिया के अंदर मुलाकात मुमकिन नहीं है लेकिन ईमान वाले को अल्लाह से मोहब्बत होती है होनी चाहिए और ऐसी वैसी नहीं शदीद मोहब्बत होनी चाहिए अब जब शदीद मोहब्बत होगी तो दिल चाहता है कि दीदार भी हो दिल चाहता है मुलाकात भी हो तो अब कैसे करें मुलाकात कैसे करें दीदार दीदार तो मुमकिन नहीं है इन आंखों में ये इस्तात ही नहीं है कि अल्लाह का दीदार दीदार कर सकें इस दुनिया के अंदर जन्नत में होगा तो मुलाकात कैसे करें मुलाकात करने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक तरतीब बना दी कि ये देखो ये घर है जिसको मैं अपना घर कहता हूँ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मेरे इस घर में आओ और ये मोहब्बत जो अल्लाह ताला से है ये दो तरफ़ा मोहब्बत है एक तरफ़ा नहीं है वन साइड नहीं है अल्लाह तम से चाहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे घर आए इतना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम जिंदगी में कम अज कम हिम्मत करके कोशिश करके एक दफा तो मेरे घर का चक्कर जरूर लगाओ दावत अल्लाह की तरफ से दावत और फर्ज कर दिया और ना सिर्फ के फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह सुबहाना तैाली ने इतना फ़र्ज कर दिया कि अल्लाह सुबहाना तै ने फरमाया कि अगर नहीं आओगे तो मैं नाराज़ होगा तुमसे मोहब्बत में ही होता है ना दो तरफा मोहब्बत में मैं आपसे कहता रहूँ मुझे आपसे मोहब्बत है आपको इजहार ना करें तो ऐसा भी हो, हो सकता है कि आप नाराज़ हो जाए फिर एक दफ़ा तो नाराज़गी हक है नाराज़गी जो मोहब्बत करता है उसके उसका हक है कि अगर जिससे वो मोहब्बत करता है वो उस मोहब्बत को रेसिप्रोकेट ना करे उसको दो तरफ़ा ना बनाए तो महबूब नाराज़ हो जाता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर कि तुम जिंदगी में कम अज़ कम मेरी मेरे इस घर का एक दफ़ा तो ज़रूरी चक्कर लगाओ इस इस घर का हज करो तो अल्लाह ताली ने ये जगह बनाई जिसको अल्लाह तौर ने अपना घर कहा और ये एक मोमिन के लिए उसकी मोहब्बत के इजहार का एक जरिया है कि इंसान उस घर में जाए और जाके उस घर के चक्कर लगाए और अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करें और दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे उससे हट कट कर बिल्कुल जेब जीनत छोड़ दुनिया में क्या होता है दुनिया में इंसान कच्चे कपड़े पहनता है अच्छे घर में रहता है अच्छी सवारी होती है बुनियादी ज़रूरियात तो दुनिया की यही है खाता पीता है निकाह करता है यही उसकी दुनिया कुल महवर तो यही है दुनिया का वो तो बाक़ी तो सब लालच है तो इंसान दुनिया के अंदर यही चीज़ें करता है अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ो अपना घर कपड़े छोड़ दो जेब जीनत छोड़ दो खुशबू भी नहीं लगानी बाल भी नहीं काटने जो जेबो जीनत के सामान है उन सब को छोड़ दो कपड़े भी छोड़ दो वो तो हया का तकाजा है कि बिल्कुल कपड़े नहीं उतरवा दिए औरतों में चूंकि हया का अंसर गालिब होता है उनको कहा अपने कपड़ों में रहो ठीक है लेकिन जेब जीनत नहीं करनी और मर्दों को कहा कि चलो तुम जो है अपने ये ये वाले कपड़े उतार दो रंग बिरंगे और सिले सिलाए कपड़े दो चादरें बांध लो अमीर हो गरीब हो वजीर हो मुशीर हो सदर हो झोंपड़े वाले हो रेडी चलाते हो सब दो कपड़े पहन के आज हो सब लोग धूल मट्टी कोई जेब वीनत नहीं कोई खुशबू नहीं और एक नारा लगाते हुआ मेरे पास मोहब्बत का नारा लब्ब लब्बैक़ लब्बला शरीक लक लब्ब्बल हमदा वन आमत लकमल्क ला शरीक लक मोहब्बत के नारे अल्लाह में हाजिर मैं आ गया आपने बुलाया मैं आ गया अल्लाह लब्ब अल्लाह आपने बुलाया मैं आ गया हाज़िर हूँ आप किस आपका कोई शरीक ही नहीं है मैं हाज़िर हूँ आ गया इन हमदा वन अमत ललक वलमल्क या अल्लाह सारी तारीफ़ें भी आपकी सारी नेमतें भी आपकी वल्क भी आपका कोई आपका शरीक नहीं है आ गया मैं नारे लगाता हुआ जा रहा है इंसान रोज ज़ोर जोर से नारे लगा रहे हैं ये मोहब्बत का इजहार है कोई परवाह नहीं किसी की आप देखें हज के अयाम में जो बंद हज पर गए हैं उनको पता है हज के अंत हज के अंदर सारे सुबह शाम बराबर दिन रात बराबर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी इधर नारे लगा रहा है कभी उधर नारे लगा रहा है जाके खुले मैदान के अंदर जो हज जो हज होता है अराफा का दिन उस दिन खुले मैदान के अंदर अब तो फिर भी आप इतने खेमे लग गए लेकिन खुला मैदान है कोई घर नहीं कोई इमारत नहीं कोई कुछ नहीं वो तो धूप से बचने के लिए उन्होंने बड़ा एहसान किया और लेकिन रात गुजार दी बिल्कुल खुले मैदान में वहाँ तो जो खैमे थे वो भी नहीं हैं खुले मैदान में रात गुजारो सब कुछ छोड़ छाड़ के इंसान अल्लाह की मोहब्बत के अंदर निकल पड़ता है एक दिन इधर एक दिन उधर एक दिन इधर एक दिन उधर और जो अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान उससे भी अपनी बरात का इजहार करता है कंकरियाँ पकड़ के जोर जोर से मारता है कुछ लोग चप्पल भी मारते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए लेकिन नफरत का इजहार नफ़रत का इजहार करता है इंसान शैतान से पे ये कंकरियाँ मारना उन जमारात को जो तीन जमारात हैं उनको कंक्रिया मार के अपनी नफरत का इजहार करता है शैतान से कि तू है ना शैतान अल्लाह का दुश्मन ऐसी की तहसीब उठा उठा के लोगों के जज्बात वहाँ पर कभी कभी काबिल दीद भी होते हैं ये और बात है शरीय की हदूद से बाहर होते हैं तो काबिल रश्क तो नहीं होते लेकिन काबिल दीद ज़रूर होते हैं कि ऐसे नफ़रत होती है उनको शैतान से कि पता नहीं किसी के परवाह नहीं करते अपनी चपले उठा के भी मारते हैं भाई वो शैतान नहीं है वो एक 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 बस अपने इजहार का एक तरीका है शैतान आ जाता सामने तो चपले भी मारते हैं कोई हर, कोई हर्ज नहीं था लेकिन वो शैतान नहीं वो एक, एक अपनी नफरत के इजहार का अल्लाह ने तरीक़ा बताया लेकिन क्यों नफरत है अल्लाह से मोहब्बत है शैतान से नफरत है पूरे का पूरा सफ़र आप देखिए अल्लाह से मोहब्बत है चक्कर लगा रहा है चक्कर लग क्यूँ चक्कर लगा रहा हूँ मैं उस घर का उसमें अल्लाह थोड़ी रहते हैं कि मैं चक्कर लगाऊँ लेकिन लगा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा ये मेरा घर है तो मोहब्बत में एक आशिकाना तरीके से कोई नहीं देखता हजूम में मर्दों को जितना मज़ा आता है ना कोई इधर से थका पड़ा कोई उधर से थका पड़ा वो अल्लाह की मोहब्बत है मस्त मारते जाओ धक्के मुझे इतने मर्जी मारो हम नहीं किसी को मारेंगे लेकिन हमें पढ़ते हैं धक्के खुवात को मसला होता है हाँ नज़रें झुकी हुई हैं किसी की परवाह नहीं इधर एक औरत है उधर एक औरत है आगे औरत है पीछे औरत है किस क्या परवाह किसी को कोई परवाह नहीं है कि औरत है कि मर्द है सब इकट्ठे हैं किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है सब अल्लाह की मोहब्बत में छूम रहे हैं क्या इबादत है क्या इबादत है क्या अल्लाह ने इबादत बनाई है और अल्लाह ताला ने कहा आओ मेरे बंदो आओ मेरे से मोहब्बत का इजहार करो मैं बुलाता हूँ तुमको अपने घर इस दावत को ठुकराओ मत कितनी बदकिस्मती की बात है कि लोग दावत को ठुकरा देते कितनी बदकिस्मती की बात कि अल्लाह की दावत को लोग टुकरा तो रहे हैं लोग हज पे नहीं जा रहे हैं लोग हज पे नहीं जाते हर एक पे फर्ज नहीं है अल्लाह ताला ने हर बंदे को मुख्तलिफ बनाया किसी को अल्लाह ने ज्यादा दिया किसी को कम दिया और अल्लाह को पता है किसको मैंने क्या दिया अल्लाह की तकसीम है किसी को ज्यादा किसी को कम तो अल्लाह ताला ने सिर्फ उन पे फ़र्ज़ किया है वाल आले से हिजुल्बई थी मनस्त ही सबीला जिसको इस्तताअत हो अल्लाह के घर जाने की उसके ऊपर हज फर्ज़ है, है अल्लाह के लिए वाल आले से हिज जुल्बई अल्लाह के लिए फ़र्ज़ है किसी और के लिए नहीं देखो शो ऑफ के लिए मत करना रिया के लिए मत करना लोगों को दिखाने के लिए मत करना सिर्फ़ मेरे लिए करना मेरी मोहब्बत में आना और कोई मकसद ना हो पीछे वो ही ला ही आलन्ना से लेकिन किसके लिए मन इस्तः आय नहीं सब जिसको इस्तात हो किस चीज़ की इस्तात जाने की उस सफ़र पर सफ़र पर जाने के लिए क्या चाहिए भाई पैसे <laughs> सबसे बड़ी चीज़ पैसे चाहिए आजकल के दौर में पहले पैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती थी होती थी लेकिन नस्बता कम होती थी मुझे तो आज भी याद है कोई बहुत पुरानी बात नहीं है एटीज़ की बात है वहाँ पे बगैर सोचे समझे चले जाते थे वहाँ जाके फिर जब मक्का मुकरमा पहुँचते थे तो फिर देखते थे कहाँ ठहरना है और लोग बाहर नारे लगा रहे होते थे पच्चीस रियाल कमरा पच्चीस रियाल कमरा पच्चीस रियाल कमरा वहाँ पे आपको मिल जाते थे आप किसी से डील करके शायद बीस रियाल में भी आपको कमरा मिल जाता था डिसेंट कमरा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही गया गुजरा और बिल्कुल हरम के मस्जिद के साथ मस्जिद के साथ अभी तो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है लेकिन मस्जिद के साथ इमारतें थीं वहाँ पे आपको 20 रियाल, 25 रियाल में एक डिसेंट कमरा साफ सुथरा मिल जाता था एक और बहुत पुरानी बात नहीं है वजह मैंने कहा 30 साल पुरानी बात हाँ तीस पैंतीस साल पुरानी तीस साल पुरानी बात तो पहले पैसों के इतने इशूज़ नहीं थे इशूज़ था जाएं कैसे सवारी है कि नहीं है एयरप्लेन जब नहीं थे लोग ऊँटनीों पे जाते थे लोग काफलों में जाते थे तो लेकिन जहरी बात आजकल के दौर में पैसे चाहिए पैसों के लिए पैकेज चाहिए पैकेजेस चाहिए तो पैसे चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए सेहत चाहिए सेहत चाहिए सेहत हो क्योंकि हर बंदा नहीं जा सकता कुछ बंदे होते हैं बहुत बीमार होते हैं और वो सफ़र नहीं कर सकते घर से नहीं छोड़ सकते खुदा न खासा कोई डायलिसिस पेशेंट हो उसका हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस होता है वो बेचारा कैसे जाएगा नहीं जा सकता और भी बहुत सारे हो सकता है कोई अपाहज हो अगर उसको कोई दूसरा ना लेके जाए खुद नहीं जा सकता हैंडी कैप्ट हो किसी व्हील चेयर किसी ने पुश करनी है वो कैसे जाएगा खुद तो नहीं जा सकता सेहत हो तो, और क्या चीज़ सही है आम, जी आमन, तो, आमन तो वो ठीक है आजकल अमन तो है अल्हम्दुलिल्लाह और जी हाँ बहुत अच्छी बात की आपने इतने पैसे जाने के भी पैसे हों और ये भी पैसे हों कि मेरे बीवी बच्चे घर के अंदर पीछे मेरे जितने एबसेंस के अंदर वो भी अपना गुजारा कर लेंगे इतने पैसे हों कि मेरे बीवी बच्चे किसी से मांग के ना खाएं उनको रहने की जगह हो रोज़ाना की डेली जो उनकी नीड्स हैं वो भी पूरी होती हों ये इतना भी, भी ज़रूरत है देखिए कितनी शरी, शरीत कितनी फितरी चीज़ है गैर फितरी नहीं है आपके ऊपर बिला वजह का बोझ नहीं डालती है जब ये सारी चीज़ें हो तो फिर चलो हज पर अच्छा पैसे कितने हो पैकेज के पैसे हो ना कहाँ हो बैंक में पड़े हो कि जेब में कि वॉलेट में कहाँ पड़े हो कैश लें एक बात आपने की लेकिन हम यही समझते हैं कैश हो लोगों ने इतना इतना सोना रखा होता है और वो उसको पैसे नहीं समझते लोगों के पास एक्स्ट्रा प्लॉट्स होते हैं एक तो एक है इस पर घर बनाया उसके बाद पांच प्लॉट इन्वेस्टमेंट की होती है उसको पैसा नहीं समझते सिर्फ कैश पे देखते हैं कि मेरा आज का बैंक बैलेंस कितना है और बैंक बैलेंस कहता है कि आपके पास और तो सिर्फ दो हज़ार देर में तो कहता मेरे ऊपर तो आज ही नहीं है मेरे भाई वो पाँच प्लाटों का क्या होगा जो आपने रखे हुए हैं वो जो दस किलोग्राम सोना रखा हुआ है अपने अपनी तिजोरियों में वो उसका क्या होगा लॉकर्स में रखा हुआ है वो भी तो पैसा है इतना पैसा कि आपकी ज़रूरत के अलावा आपकी ज़रूरत जो है ज़रूरत क्या होती है ज़रूरत तो कोई बहुत खास नहीं होती है जरूरत तो बहुत कम होती है ज़रूरत के अलावा चले अपनी ज़रूरत को डिफाइन लें मैंने नहीं कोई फतवे लगा था ज़रूरत के अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा है जिसके अंदर सोना शामिल है जिसके अंदर प्लॉट्स शामिल है, एक्स्ट्रा प्लॉट्स जो कि आपने अपने घर की बात नहीं कर रहा अपने घर के अलावा की बात कर रहा हूँ वो अगर हैं और इतना है कि अगर उसको बेचना भी पड़े और आपको एक पैकेज मिल जाए आज के दौर में आपके ऊपर हज फर्ज है आपके ऊपर हज फर्ज है मिल्कियत आपकी होनी चाहिए बस मिल्कियत होनी चाहिए बलूगत भी शर्त है मैं सारी डिटेल्स में तो नहीं जा रहा हज का फिक नहीं पढ़ा रहा मैं इधर बलुगत हो बाल बलुगत क्या होती है बस कब होती बलुगत लड़के के लिए अखतलाम होना लड़की के लिए है जाना अगर ये दोनों ना आए तो पंद्रह साल पंद्रह इस्लामिकयर इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इसके अंदर इख्तलाफ है लेकिन जो अनाफ के नजदीक मुफ्ता ही है पंद्रह साल का हो गया इस्लामी कैलेंडर के अतबार से लड़का भी लड़की भी वो बालग हो गया उसको हैज़ आए ना आए उस लड़की को अहतलाम हो ना हो वो लड़का और वो लड़की पंद्रह साल पर बालग हो गए अब जब बालग हो गए और उसके पास इतना कैश के वो मालिक हैं माएँ कभी कभी ऐसा करती हैं कि जेबर ख़रीद के बेटी को दे देती हैं वैसे इसके अंदर लंबी बहस चल जाएगी लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो देती भी और नहीं भी देती हैं लेकिन मालिक अगर हैं जो मालिक हैं बलूगत और इतनी मिलकियत कि वो एक आजकल के दौर में पैकेज लेके हज पे जा सके उस पर हज फ़र्ज है कितने लोगों पर हज फ़र्ज होता है उनके पास ज़मीनें पड़ी होती हैं उन पर हज फर्ज होता है वो हज पे नहीं जाते हैं मेरे भाइयों इस पर थोड़ी सी अगर मैं बात कर दूँ और मिल्कियत के बारे में क्योंकि पहले भी कर चुका हूँ लेकिन दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि देखें शादी होती है एक लड़की की और लड़की की शादी में उसके ससुराल वाले उसको ज़ेवर देते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं हमारे मुशरे में देते हैं कि नहीं अक्सर देते हैं जैसे भी करके देते हैं कुछ ना कुछ वो जेवर किसका है सवाल एक पैदा करता हूँ मैं सब आपसे सवाल पूछता हूँ वो जेवर किसका है मुझे ज़रा बताइए आम मिसाल के तौर पर आपके बेटे की शादी आप बेहसीत बाप या माँ आपने अपने बेटे की बीवी को जेवर खरीद कर दिया वो किसका जेवर है मुझे आज बता दीजिए प्लीज जी तो पक्की तो बात है इजमा इस है इसके ऊपर वो कह रहे हैं नहीं किसका है भाई फिर की रहता नहीं ये तो ये तो ये तो हाँ इसी पे तो मैं आ रहा हूँ मोहल्ला कुछ नहीं होता वो किस कौन किस किस किसी कोई तो मालिक होगा ना उसका कि उसके इंतकाल पे उसकी विरासत में तकसीम होगा वो किसका है वो उस बाप का है उस माँ का है उस शोहर का है या उस, उसकी शोहर की बीवी का है किसका है वो पक्की बात है कायम रहना अपनी बातों में मेरे भाई जो जो कह है यार आम अल्फाज में किसको दे रहे हैं मिसाल के तौर में एक लड़की हूं मैं नहीं हूं लेकिन मिसाल करते हैं कि मेरी शादी होती है और मेरे सास मुझे तोहफ़े में जेवर देती हैं क्या डिसाइड करें किसका है क्या हम बात करें भाई किसका है अगर वो कहेंगे जी मेरा है तो मैं पहनने के लिए दे रही हूँ मैं तो ऑनेस्टली मैं तो कहूँगी कि मेरी प्यारी वालदा साहिबा मेरे शोर की आप प्लीज़ मेरे पास है आप अपने पास रखिए मुझे नहीं चाहिए अगर आपका है और मुझे पहनने के लिए दे रही हैं बहुत शुक्रिया है, मेरे बहुत पैसा बहुत देवर है ऑलरेडी मुझे क्यों चाहिए और उनका मकसद ही होता है तुम्हारा है लेकिन वो उसको देते नहीं और लेकिन हकीकत ये होती है वो उसको नहीं देते उसकी मलकियत में और उसकी उस उसका उसकी दलील ये है कि खुदा न खासा अल्लाह ना करें लड़के लड़की में तलाक हो जाए पहला मुतालबा क्या होता है जेवर वापस करो आऊजिल्ला शर्म का मकाम है अगर आपने उस लड़की को मालिक बना दिया हदिया दे दिया तोहफा दे दिया अगर तो आप हदीस में देखें कि इस शक कितनी वईद है किसी को तोहफ़ा दे के वापस लेने की हदीस में आता है कि जो तोहफ़ा दे के वापस ले उसके इसकी, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी कुत्ते ने कह करके उसे चाट लिया हो कितनी कितनी बुरी मिसाल है इस मतलब कहूँ है ना कितनी बुरी मिसाल है और ये मिसालें इसीलिए शरीत में आई हैं ताकि उसे नफ़रत दिलाई जाए कि नफ़रत करो इस अमल से भी किसी को तोहफा दे के वापस ले रहे हो शर्म करो यहाँ तो पहले कहें कि नहीं जी ये ये शौहर का है लेकिन डिसाइड कर लें शोहर का है बीवी का है कि सास साहिबा का है जिसका भी है भाइयों दो बातें एक तो उस पर जक़ात फ़र्ज हो रही है जिसका भी है उस पर ज़क़त फ़र्ज है जिसका भी है उस पर जकवात देनी है उसको जकवात कोई भी नहीं देता वो कहता उसका है वो कहता उसका है वो कहता उसका है ये भी बहुत ख़तरनाक है कुरान पढ़ के देखिए ज़कात ना देने की वईदें अल्लाह महफूज रखें श्दीद वईद हैं जो ज़कात नहीं देता अपने माल की किसका है डिसाइड कर लो किसका है वो ज़कात भी देगा उसकी वो सास का है तो सास ज़कात देगी शोहर का है तो शोहर ज़कात देगा बीवी का है तो बीवी ज़कात देगी बीवियाँ कहती हैं हम कहाँ से जुक़त दें और वजह कैश ही नहीं है मेरा शोर इतना कंजूस मक्खी चूस है क्यों मुझे एक ढेला नहीं देता पैसे का मैं कहां से जकात दूं तो मेरी प्यारी बहन मेरी प्यारी बेटी आप उस जेवर को बेच दीजिए वो कहती है मेरी सास कहती है नहीं बेच सकती क्या करें किधर जाए क्या करें अगर मिलकियत में दिया है, तो सास साहिबा क्यों कह रही है नहीं बेच सकती हमने तो मालिक बना दिया उसका वो जो मर्जी करे उसको बेचे उसको पहने उसको रखे उसको फेंके उसको जो मर्जी करे कितना गंभीर मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ एक इशू को कितना शदीद संगीन मसला है जक़ात कौन देगा उसकी अगर बीवी का है तो वो बीवी ज़क़ात देगी वो उसको बेचे जितना बेचना है थोड़ा बेच के बाकी के जक़ात अदा करें और जिसका भी है मोस्ट लाइकली मुमकिन आज जरूरी नहीं है थोड़ा भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है लेकिन अगर ज़्यादा है तो मेरे भाई मेरी बहन मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी बुज़र्गों जो भी हैं उस पर हज फर्ज हो गया ख़वात के लिए एक चीज़ और भी है महरम भी होना चाहिए उसके साथ जाने के लिए वो उसके जो इस्तात है उसके अंदर एक और एडिशन है कि उसके अंदर उसके साथ महरम होना चाहिए जो उसको हज पर ले के जाए उसका शोहर ले जाए या उसका बाप ले जाए या उसका बेटा ले जाए या उसका भाई ले जाए लेकिन कोई ना कोई उसके साथ ले कर जाए लेकिन अगर कोई है और ये सारी शराय पूरी हो रही हैं तो भाई वो हज फर्ज है जैसे नमाज पाँच वक्त की रोज़ाना फ़र्ज़ है जैसे रमज़ान के रोजे फ़र्ज़ हैं इस तरीके से अगर भलुगत के बाद ये सारी शरात पूरी हो गई तो आप पे हज फर्ज है हज फर्ज़ है लोग कह इस तरह की बातें करते हैं जी अभी मैं अभी तो मैंने अपने बेटे की बेटी की शादी करनी है बेटी की शादी पर कितने पैसे ख़र्च होते हैं बेटी की शादी पर कितने पैसे ख़र्च होते हैं किसने कहा मेरे भाइयों जितने बारात में लोग आएंगे ना उनको खजूरें खिलाने में जितने पैसे खर्च होते हैं ना उतने खर्च होते हैं बस बस उतने होते कितनी खजूरें आएंगी हाँ खुदा का खौफ करें यार <laughs> इतनी बड़ी बारात लेके जानी है पाँच दस पंद्रह लोग चले जाएँ ज्यादा से ज्यादा उसके गवाह और थोड़ी दुआ में शामिल होने के लिए चले पचास चले जाए पचास एक एक खजूर खा लेगा कितने की आ जाएगी पचास खजूरें पर एक दरम की एक खजूर आती है आज कल एक दरम की एक खजूर भाई कोई पैसा खर्च नहीं होता यकीन जाने बेटी की शादी में तो एक पैसा खर्च नहीं होता मैं स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ सब खजूर हैं इंशाल्लाह ताला आप तैयार हो अपनी बेटियों की ऐसी शादियाँ करने एक पैसा खर्च नहीं होता मैं स्पॉन्सर करूँगा मैं आपको सबके सामने इसका इकरार कर रहा हूँ मैं कोई बड़ा कोई बिलियनियर नहीं हूँ लेकिन इन शाह खजूरें स्पॉन्सर करने के लिए तैयार एक पैसा खर्च नहीं होता और लड़के की शादी में भी एक पैसा खर्च नहीं होता बाप का नहीं होता वलीमा किसने खिलाना है जिसकी शादी है जिसकी वो खिलाए जिसकी शादी है वो खिलाए ओके okay, मेरे पास तो मैं तो सिर्फ पाँच हज़ार धर्म की जॉब करता हूँ तो भाई किसने कहा है कि वलीमा जो है आपने एटलांटिस में करना है वलीमे के लिए तो आ जाओ आ जाओ अभी अभी कर लेते हैं वलीमा क्योंकि किसी की शादी है तो अभी कर लेते हैं वलीमा वलीमे में क्या है? एक दफ़ा नबी करीम की एक निकाह में कहा दस्तर बिछा उस वक्त नबी करीमलम सफ़र में थे तो कहाँ के ले आओ सारे ले जो जो है ले आओ कोई कुछ लिया वन डिश पार्टी हुई कोई कुछ लिया कोई कुछ लिया ने मिलकर खाया वलीमा हो गया और और भी किया मुख्त उतनी कर लो मेरा भाई एक आइसक्रीम खिला दो बस ऐलान करना है ना कि शादी हुई है कोई पैसा खर्च नहीं होता ये झूठ है कि मैंने अपने बच्चों की अभी शादी करनी है इसलिए आज पे नहीं जा रहा चले ये तो निकल गया और अभी बच्चों को मैंने पढ़ाना है मेरे भाइयों

में मुताब मतاب, मुताबियत किया करो यक बाद रह जाया करो यानी सिर्फ हज एक एक सफर ना कर लो उम्र पे भी जाओ अलग से सफर करके जाओ क्योंकि हज और उम्र दोनों फकर को दूर करते हैं जिस तरह खर्च करना माल को बढ़ाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि रहे हैं हज और उम्र फकर को दूर करते हैं Okay, ये कौन सी लॉजिक है भाई इतना महंगा पैकेज लेके मैं जाऊँ मेरे तो सारी उम्र की सेविंग्स ख़त्म हो गई अल्लाह के रसूल कह रहे हैं नहीं तुम्हें तो फकर आएगा ही नहीं आज तक किसी को देखा है जो हज पे गया हो और वो भूखा मर गया हो एक मुझे मिसाल दे दीजिए कोई किसी को ऐसी मिसाल दे दें दे जो बहुत खर्च करता हो और वो भूखा मर गया हो उसकी मौत आई हो फाके से एक मिसाल दे दीजिए एक भी नहीं मिलेगी बल्कि जितना अखलास के साथ खर्च करेगा उतना अल्लाह उसको ज्यादा देंगे कुरान कहता है अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि तुम हज और उम्र पर जाओ फकर ख़त्म हो जाएगा पावर्टी ख़त्म हो जाएगी और गुनाहों को भी दूर करता है और कैसे दूर करता है फकर और गुनाहों को ऐसे जैसे कि एक भट्टी जो है वो लोहे की और 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 सोने की और और चांदी की जो मैल कुचैल होती है उसको दूर कर देती है वलई सली सवाबन सवाबल जन्ना और हज मबरूर वो हज जो कि कबूल हो गया हो उसका सवाब जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है तो जो आप कहते हैं भाई बच्चों को पढ़ाना है पढ़ जाएंगे बच्चे इन जाएंगे हज को मत रोको मेरे भाई प्लीज़ हज को मत रोको अगर अल्लाह ने इतना माल दिया है कि पैकेज मिल जाए पीछे घर वालों का इंतज़ाम भी हो खाने पीने का अभी भी हज की दरखास्तें रही होंगी चले जाओ मत रोको अगले साल सोचूंगा जी अगला साल कौन सा अल्लाह ताला से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मेरे भाई के अगले साल जिंदा रहेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी ने नहीं किया अल्लाह त बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा जा रहे हैं लोग चलते जा रहे हैं कोविड कितने लोगों को ले गया जवानों को भी ले गया बूढ़ों को भी ले गया बीमारियां रोज़ रोज़ नहीं आ रही अभी एक मंकी पॉक्स आ गया है और पता नहीं कौन सा वेरिएंट चल रहा है अभी कोविड का भी तो किसने देखी है मेरे भाइयों ज़िंदगी और मौत अगला साल तो तीन दिन बहुत होते हैं मेरे भाइयों इस साल जाओ कोई मजबूरी है तो अगले साल का सोचो लेकिन अगर सारी चीज़ें हैं सेहत भी है माल भी है सब कुछ है तो अभी चले जाओ इस साल चले जाओ हमें दुआएं करना चाहिए कि, कि किसी ने तरगीब दी थी किस चीज़ का इंतज़ार है फर्ज है ये इबादत और ये आशिकाना इबादत है अल्लाह से मोहब्बत है इसके अंदर अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है इसके अंदर क्या प्यारी इबादत है अल्लाह से मोहब्बत में इजाफ़ा होता है कुछ लोग कहते हैं उम्र पे चाने से बेहतर है वो माल फ़कीरों फक, को दे दो आजकल तो एक नया लॉजिक भी आया हुआ है वो कहते हैं कि जी कुर्बानी भी क्या करनी है कुर्बानी की बजाय वो जब बकरे की कीमत इतने महंगे हो गए बकरे वो गरीबों को दे दो जी गरीबों को दे दो किस लिए देना आपने गरीबों को क्यों देना है अल्लाह को राजी करने के लिए तो उसी अल्लाह का हुक्म है कि जब ईद आए तो ईद उजी आएगी तो बात करेंगे इन उसी अल्लाह का हुक्म है ईद उाजी पेर्बानी दो उससे ईद पर इससे बड़ी नेकी कोई भी नहीं है नेकियों की भी तो प्रायरिटीज़ है ना रोज़ा रमज़ान रो, का रोज़ाना रोज़ा रखना फ़र्ज़ है कि कि चॉइस है फ़र्ज़ है अभी रमज़ान ख़त्म होता है उस वही सूरज अगले दिन तुलू होता है अल्लाह ताली कहते हैं हराम है हुक्म तो अल्लाह का है आज क्यों नहीं रोज़ा रखता सबाब अभी तो तीस दिन रखे मैंने रोज़े और नहीं रखता तो इतना बड़ा गुनाह हो जाता आज अगर रोज़ा रखूँगा तो गुनाह है ईद अज आती है फ़कीरों को देना छोटी इबादत बन जाती है कुर्बानी करना बड़ी इबादत बन जाती है अल्लाह का हुक्म है तो उम्रे भी नबी करीम सलाब कह रहे हैं हाँ चल उम्रे के सफ़र पर जाओ आगे पीछे जाओ अलग अलग जाओ एक हज ना जाओ क्यों वो फकर दूर करता है अगर आज मैं मिसाल के तौर पे पांच हजार जन्म दे सकता हूँ किसी फकीर को तो जब मैं वहाँ जाऊँगा दो चीजें होंगी एक वो पांच हजार ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो दस हो पचास हो जाएंगे नंबर एक ज्यादा जाद हो जाएंगे नंबर दो वहां जाके जो जज्बात इंसान के बनते हैं ईमानी जज्बात पहले हो सकता था कि मेरे पास पांच थे तो मैं कहता कि पांच सौ दे दूं अब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं अगर पाँच भी फिलहाल रहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं यार हजार देना चाहिए हजार देना चाहिए मुझको जी ईमानी जज्बात बढ़ जाते हैं इंसान के इंसान का दिल और निकी करने को चाहता है हर तरह से इंसान को फायदा होता है ये शैतान का धोखा है कि मत जाओ क्यों ना जाए भाई प्लीज जाइए प्लीज जाइए अल्लाह बुला रहे हैं अल्लाह ने एक जगह को जिसको अपना घर कहा अल्लाह बुला रहे हैं, जाइए यह बैतुल्ला आदमतम ने पहले तामीर किया था जो मैंने आयत मुबारक शुरू में पढ़ी थी अल्लाह तुम्हारा तरमाने कि इ अव्वला बैतनास लल लदीबी बक्का था मुबारकन वालमीन कि ये पहला घर है जो कि लोगों के लिए बनाया गया है जो कि मक्का मुकरमा में है और अल्लाह ताला ने दो इसके तारीफात बताई कि वो मुबारकन बदन लिलाआलमीन वो मुबारक भी है बरकतों वाला भी है और हिदायत वाला भी है सारे आलम के लिए सारे आलम के लिए पहला घर इसके अंदर बहुत सारी तफसल है कुछ ने कहा पहला घर ही यही था ज़मीन के ऊपर पहला घर अल्लाह ने कहाब्ला बनाया आदम के ज़रिए जब आदम सैद हो उतारा गया तो पहले उतर के पहले अल्लाह ताला ने हुक्म दिया काबतुल्ला बनाओ फिर कुछ बनाना एक इसकी तफसीर यह भी है और एक तफसीर ये भी है कि इबादत की जगह में यह पहली इबादत का है इन इन्नाउैतिन व्यान्नास लोगों के लिए बनाया गया सारे इंसानों के लिए मुसलमानों के लिए नहीं सारे इंसानों के लिए तो अल्लाह ताला ने ते पहले आदम अलैहि सलाम ने बनाया फिर नूह अलैहि सलाम की तूफ़ान में ये बह गया फिर इब्राहीम सलातम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसी बुनियादों पर मेरे घर की तामीरें नौ करो दोबारा बनाओ वो जरफा इब्राहिमादी व इसमाईल याद करो वह वक् इब्राहीम और इस्माइल आलिम वो घर की बुनियादों को खड़ा कर रहे थे बुनियादें थीं उस पर दोबारा कहा कि दोबारा बनाओ फिर ये एक वक्त आया कि ये ये ये, ये हालात की पेश नज़र फिर ये मनहदिम हो गया तो इसकी तमीर नौ होती रही और फिर कुरैश ने कुरैश मक् ने भी इसको तहमीर नौ इसकी की और जब इसकी तमीर नौ की तो उन्होंने फिर इसकी जो एक्चुअल साइज़ था उसको कम कर दिया थोड़ा सा उसकी पीछे पूरी तफसील है मैं तफसील में जाने का तो वक्त नहीं है लेकिन फिर और वो जो जो जगह थी जो काबतुल्ला के अंदर का हिस्सा था आज उसको हतीम कहते हैं हतीम बेसिकली हतीम एक तो एक सेमी सर्कल आपको नज़र आता है वो असल हतीम नहीं है हतीम है उसके आगे आगे जो काबतुल्ला की दीवार है और ये जो हतीम का सेमी जो सेमी सर्कल शुरू होता है उसके दरमियान की जो जगह है वो है असल हतीम ये काबतुल्ला के अंदर का हिस्सा था आज काबतुल्ला के बाहर आ गया और अमीरों के वजीरों के लिए खोले जाते हैं काबतुल्ला के दरवाज़े या फिर कुछ ख़ास खास लोगों के लिए लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी तरतीब बनवाई कि मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए भी अल्लाह ताला ने ये ता, ये ये शर्फ़ बख्श दिया कि अगर तुम काबतुल्ला के अंदर नमाज़ पढ़ना चाहते हो हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ लो जाके वो काबतुल्ला के अंदर का हिस्सा है लेकिन कुरैश ने तो किसी वजह से उसको कम कर दिया फिर नबी करीम सलातम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा से असल कवायद के ऊपर असल बुनियादों के ऊपर खड़ा कर दूँ लेकिन उन सीधा आयशा की रिवायत है दें मुझे डर लगता है कि कोई लोग फितने में ना पड़ जाएँ कि देखो मैंने फतः मक्का कर लिया तो मैंने इसको तोड़ दिया तो उन्होंने नहीं किया और भी इसके अंदर तब्दीलियाँ की कुरैश ने पहले ये इसके दरवाजे बिल्कुल ज़मीन के साथ थे और दो दरवाजे थे एक जाने का एक एक, एक अंदर जाने का एक बाहर निकलने का वो दरवाज़ा भी एक कर दिया फिर उन्होंने उस दरवाज़े को ऊंचा भी कर दिया कि बस मखसूस लोग जाएँ हर बंदा ना जाए तो बहुत सारी तो रबी करीमल ने ख्वाहिश का इजहार किया कि काश मैं इसको दोबारा कर सकूँ लेकिन किया नहीं फिर सही ना अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तुने अपने जब वो मक् के गवर्नर बने थोड़ी देर के लिए उसमें इन्होंने उनकी तमीर नौ की और उसको उसी तरह कर दिया लेकिन फिर हजार बिन यूसफ ने बाद में दोबारा से इसको ऐसे ही कर दिया तो उसके बाद किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि वरना तो मज़ाक बन जाता जो आता वो अपनी मर्ज़ी का करता तो ये असल में उस वक्त से हजाज बिन यूसुफ के दौर से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो था ये वो कावत की का आज दीवारें हैं लेकिन हतीम वो काबतल्ला के अंदर का हिस्सा है तो ये की तामीर का थोड़ा सा एक पस मंज़र लेकिन ये अल्लाह का घर है ये अल्लाह का घर है इसके अंदर एक मक़ाम इब्राहीम है फ़ी आई फ़ी ही क्या है फी ही आया तुम बना तुम मक़ाम इब्राहीम इसके अंदर मक़ाम इब्राहीम है जो अल्लाह की निशानियों में से इसके ऊपर खड़े होकर इब्राहिम सलाम ने कहावत की तामीरें नौ की थी कहा जाते हैं पत्थर पर जब वो खड़े होते थे तो जब ऊँचा होना था ख़ुद ही पत्थर ऊँचा हो जाता था ख़ुद ही नीचे हो जाता था अल्लाह तक इसको कायम रखा है जिसमें से इब्राहीम के पैरों के निशानत भी मौजूद हैं तैनी में ये हदन व मुबारकन व मुबारकन व हदन लालमीन अल्लाए बरकतों का गढ़ है मरकत बरकतों की फाउंडेशन है ये इससे लीलामीन सारे दुनिया में यहाँ से बरकतें फैलती हैं बरकत अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर नाजिल होती है और पूरे जहान के अंदर फैल जाती है बरकत क्या होती है हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है बरकत क्या होती है बरकत नहीं पता ना नौजवान बच्चों बरकत होती है जो हमें नहीं पता हम चाहते हैं कि मिलियन हो जाए और फिर दो मिलियन हो जाए और फिर दस मिलियन हो जाए बस ये चाहते हैं बरकत होती है बेशक थोड़ा हो लेकिन जरूरियात पूरी हो जाए ये होती है बरकत उसे सुकून आता है दिल के अंदर सुकून आता है जरूरी नहीं है कि ज्यादा में बरकत नहीं होती ज्यादा में भी हो सकती है लेकिन एक सुकू कितने लोगों के पास बहुत है सुकून नहीं है इसका मतलब माल में बरकत नहीं है और कुछ के पास थोड़ा है लेकिन सुकून है क्योंकि उस माल में बरकत है और ज़रूरियात भी पूरी होती हैं कुछ लोगों की बहुत होता है ज़रूरिया फिर भी पूरी नहीं होती हैं तो बरकत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे और आपकी सबकी ज़रूरत है हमें जो कुछ भी हम जिसके पीछे दौड़ धूप कर रहे हैं न मेरे भाइयों हम चाहते ही हैं कि हमें सुकून मिल जाए हमें सुकून मिले ज़रूरियात पूरी हों मेरे बच्चों की फीस अदा हो जाए घर का रेंट हो जाए अदा राइट सारी के सारी खाना पीना रोज़ का हो जाए बाकी सारी जो ज़रूरिया है इसीलिए कमा रहे हैं ना इसीलिए सुबह शाम तोड़ धूप कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे माल में बरकत हो कहाँ से मिलेगी बरकत अल्लाह की तरफ़ से अल्लाह ने इस जगह को बनाया है मुबारक यहाँ से बरकतें तकसीम होती हैं मैं तरकीब दे रहा हूँ चले जाओ बरकतें मिलती हैं और उस जगह में भी बरकत है आप देखें हो सुबह अल्लाह अब तो फिर भी बहुत इम्प्रूव कर गई वो जगह आज से आप 40-50 40 साल पहले चले जाएं जबकि अभी डेवलप हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्त कितने दो मिलियन लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे और ऐसे ऐसे लोग पहुंचते हैं कि सुबहान अल्लाह जिन्होंने कभी पहली दफा जहाज़ में बैठे होते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से पहली दफ़ा जहाज से बैठ के वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उन्होंने कभी अपने गाँव से नहीं निकले होते आप सोचें कि इतना बड़ा मजमा इस तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा अक्सर बहुत ज़्यादा कसरत से ऐसे लोग आते हैं और वहाँ जाके किस तरीके से एक मनमान अंदाज के अंदर सब कुछ हो जाता है सबको खाना सबको पीना यहाँ पे तो हम सौ लोग जमा कर दें ना हम सोचते रहते हैं कि यार खाना कैसे खिलाएं लोगों को और वहाँ पे बीस लाख जो लोग जमा हो जाते हैं और सब कुछ होता है रिहाइश भी होती है खाना भी होता है पीना भी होता है आ, इतनी सारी कुर्बानियाँ भी हो जाती हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बकरे आपके ख्याल में सारे इम्पोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर बकरे पता नहीं क्या हो रहा है मुझे नहीं पता लेकिन अल्लाह ने ऐसी ऐसे समा जाते हैं उस छोटी सी जगह के अंदर वो एक वादी है छोटी सी पता नहीं कहाँ कब जाते हैं मताफ कितना बड़ा है छोटा सा मताफ है इतने लोग तवाफ़ करके चले जाते हैं पता भी नहीं चलता ये होती है बरकत अच्छी और दूसरी चीज़ हिदायत बहूदमी सारे जहानों की हिदायत का यह चश्मा है मरकज है हिदायत तकसीम होती है सारे आलम में यहाँ से जो रूहानी तरक्की इंसान की इस जगह पर जाके होती है दुनिया में कहीं नहीं हो सकती कुछ जगह ऐसी होती है और कुछ औकात ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान की रूहानी तरक्की शदीद होती है हमें तो पता ही नहीं रू भी है एक चीज़ रूहानी तरक्की दो कोई एक एलियन वर्ड है हमारे अंदर एक रूह है और उसको भी उसकी ज़रूरियात चाहिए जैसे हमारे जिसम को है जिसम खा 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 के जो पेट इतने बड़े बड़े करते हैं और भी चीख रही है चिल्ला रही है मुझे भी दे दो कुछ खाने को रोज़ाना जो हम पांच खाने खाते हैं एक सुबह का नाश्ता फिर एक ब्रंच होता है फिर लंच होता है फिर आफ्टरनून हाई टी होती है और फिर रात को डिनर जो होता है न पांच खाने तो मेरे भाई और भी कहती है पाँच खाने खिला दो फजर जहर असर मगरब शाह हम उसको खाने देते नहीं हैं जिसम को देते जा रहे हैं जानवर बनते जा रहे हैं ये हमारा हाल हो गया इंसान का तो रूह की भी तो फिक्र करें रोज़ खाने खिलाओ और एक बड़ा खाना कम अज़ कम जिंदगी में एक दफ़ा ये हदलमीन हिदायत का मरकज़ रूहानी तरक्की की मेराज़ यहाँ से मिलती है अल्लाह ताला कहते हैं एक एक, एक दफ़ा जिंदगी में जरूर आना मेरे बंदों जरूर आना इसके बग़ैर मेरे पास वापस मत आना दूसरी दुनिया ये करके आना वरना एक ऐसा खला बाकी रह जाएगा तुम्हारे अंदर कि वो पूरा नहीं हो सकता लेकिन उसके लिए मन इस्स्ता आल ही सबीरा जिसके पास इस्ता नहीं है वाकई में नहीं है अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से खुद ही से टॉपअप कर देते वो अल्लाक उ किसी किसी अल्लाह ताला किसी पे उसकी उसकी इस्तात से बढ़कर बोझ नहीं डालते हैं अल्लाह ही ने इसतात नहीं दी तो अल्लाह ताला खुद ही से उसको टॉपअप करते हैं लेकिन जिसके पास है उस पर ज़िम्मेदारी आ गई माल कमाने का इतना शौक है जायदादे बनाने का मेरे भाइयों ये एक फरीज़ा है एक फरीज़ा है हर एक पर लाजिम है जाओ हम सब जाए यहाँ से हिदायत तकसीम हो रही है रूहानी तरक्की वहाँ जा के मिल रही है एक ऐसी रूहानी तरक्की जो जैसे मैंने कहा कहीं नहीं मिल सकती वो पावर बूथ ज़िंदगी में लेना ज़रूरी है सब के लिए मेरे लिए आपके लिए इसके बगैर खला रह जाएगा रूहानी और उसके बग़ैर अल्लाह के पास जाना बहुत ख़तरनाक है क्यों क्योंकि अल्लाह ताला ने बुलाया है हम अल्लाह ताला की कॉल पे लब्बई की नहीं कह रहे अल्लाह ताला ने नबी सदना इब्राहीम को फरमाया कि जब कहाबातुल्ला बना लिया फरमाया कलान कर दो हज पे आओ अब फरमाया कि ऐलान कर दो कि हज पे आ जाओ तो उन्होंने कहा यार या अल्लाह किसको ऐलान करो वो असदिन फिर नासबल या तू का रिजान दाम या तीन मिन फजिन आमीक फरमाया कि लोगों में हज का ऐलान कर दो कि तुम्हारे पास पैदल आएँ दूर दराज के रास्तों से सफ़र कर करने वाली उन ऊंटनियों व सवारों के आएँ जो लंबे सफ़र से दुबली हो गई हों दूर दूर से आएँ कि किसको ऐलान करूँ या अल्लाह तो रेगिस्तान ना बंदा ना बंदे की जान किसको ऐलान करूँ ऐलान करूँ पहुँचाऊँगा मैं और लिखा हुआ था की किताबों में सनद मुझे नहीं पता कि कितनी मजबूत है लेकिन फ़रमाया कि जब उन्होंने ऐलान किया अल्लाह ताला ने वो पैग़ाम वो ऐलान सारे आलम में भी पहुंचाया जो ज़िंदा थे और उनको भी पहुँचाया जिन्होंने अभी आना था और जिस जिस को ऐलान पहुँचा और जिस जिस ने कहा लबैक अल्लाम अल्लाह हाजिर आ रहा हूँ मैं तो उसको हज की तोफ़ी मिलती है खैर तो तफस हो जाएगी लेकिन असल में ये उसी ऐलान पर तो लबैक हैं अल्लाह ने फ़रमाया इब्राहिम को ऐलान करो हज पे आ जाओ कहाबतल्ला तो मैंने बना लिया अल्लाह के हुक्म से आ जाओ तो हम कहते हैं अल्लाह हाजिर आ गया मैं पहुँच गया अगर नहीं जाएंगे अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के इस ऐलान पर अल्लाह के करवाए हुए इस ऐलान पर अल्लाह ताला फरमाते हैं केवल आलना से हिजुलबाति मन इसबी अल्लाह के लिए लोगों पर फ़र्ज़ है कि बैतल्ला का हज करें जो भी उस रास्ते में जाने की इस्तात रखता है वो मन कफ़ा और अगर इनकार कर दिया मेरे बंदों अगर मेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहा गनी आलमीन ऐसी सख्त नाराज़गी है मुझे कोई परवा नहीं है तुम्हारी अल्लाह बेनियाज है सारों से सारे आलम से ना बे न्याज है अल्लाह को थोड़ी चाहिए कुछ अल्लाह तुम्हारे मोहताज हैं क्या अल्लाह को कोई एहतियाज नहीं है अल्लाह बे न्याज है सारे आलम से अगर तुम इनकार करोगे कहाँ इतनी मोहब्बत से बुला रहे हैं लेकिन अगर महबूब की दावत पर नहीं गए तो अल्लाह की सख्त नाराज़गी एक हदीसी मुबारक में आता है नबी करीमत ने फरमाया मुख्तफ़ रवायात हैं लेकिन मन मलक हजाद वराहलता तो बल्ले तो वलम यह कि जिसके पास ज़्यादा राह भी हो यानी सामान हो पैसा हो और जाने की सवारी भी हो जो कि उसको बैतल्ला तक पहुँचा दें यानी उसके पास पैकेज हो आज के ज़ुबान में पैकेज के पैसे हों दूसरे अल्फ़ाज़ में आज कल के लिए उसके पास एक्स्ट्रा इतना है अपनी ज़रूरियात के अलावा कि वो हज पर जा सकता था वलम यहज और वो हज पर नहीं जाता फ़लामूत यह निय वज़ा काफ़ी किताबी ही व्लिजुलबैत मनस्त सबी आखिरफरफ़िनम अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी मरे या नसरानी मरे कि वो यहूदी मरे या नसरानी मरे मेरे भाई और सबसे अहम चीज जो है ना मेरे और आपकी वो है ईमान और ईमान सौ फीसद तोफीक है सौ फीसद तोफीक मैं जितनी कोशिश कर लूँ ना ईमान में अपने मेहनत से हासिल कर लूँ नहीं हासिल होता हो ही नहीं सकता ऐसे लोग होते हैं जो शकुक शुहार में मुबतला हो जाते हैं मा सल्लाह वसाविस आते हैं शदीद बेचारे परेशान हो जाते हैं उनके वसाविस दूर नहीं होते दुआएं करते हैं अस्कार करते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं बुजुर्गों के पास जाते हैं लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता वो वसाविस दूर नहीं होते ये और बात है जिनको वसाविस आ रहे हों और वह उस परेशान हो रहे हों ईमानी वसाविस और उस परेशान हो तो ये तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनके दिल में ईमान हैं अल्लाह के रसूल सरसन में फरमाए ये तो सरी ईमान की निशानी है कि तुम परेशान हो रहे हो अपने मुसाविस में अगर तुम ईमान ना होता तो परेशान तो ना होते तु, 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 तुम तो तुम्हें क्या फरमाती लेकिन वह बसाविस दूर नहीं होते जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता ये ईमान प्योर सोफी सद अल्लाह का अल्लाह की तोफीक है तहतीमन अहबब था है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी किसी को हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें आप नहीं दे सकते ये हिदायत तो मिनजानबिल्ला है अल्लाह जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं और अल्लाह को पता है वो क्या कर रहे हैं किसी को परवाह ही नहीं ईमान की तो फिर ज़बरदस्ती तो नहीं थोपा जाती ये चीज़ लेकिन जो मांगता है अल्लाह से परेशान होता है फ़िक्र करता है तो उसको ईमान की अल्लाह तोफीक देते हैं कभी इम्तहान भी आ जाते हैं लेकिन मिलती है लेकिन अल्लाह की जानब से आती है ये ईमान सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी हमें सबसे कम फिक्र है कम फिक्र है कि नहीं है कि नहीं है क्या दलील है इसकी कोई दलील दलील से बात होनी चाहिए कितने लोग दुआओं में अपने ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते हैं गाड़ी मिल जाए जॉब मिल जाए बीवी मिल जाए बच्चे हो जाए ईमान की हिफाजत की दुआएं कितनी मांगते हैं ईमान पे खात्मा कितने लोग मांगते हैं अपने बच्चों के ईमान की किस किस को है ये जो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं कौन सा स्कूल है जिसमें सिक्स ए स्टार्ज आते हैं वहाँ तो मैं इनको भेजूँगा लेकिन कभी सोचा है कि वहाँ बच्चे का ईमान बचेगा कि नहीं और मैं थोड़ी सी और बात कर दूँ कि हमें नेशनैलिटीज़ चाहिए फ़लाँ मुल्क और फलाँ मुल्क और फलाँ मुल्क मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों और बच्चियों कभी सोचा है कि मेरे बच्चों के ईमान का क्या बनेगा वहाँ जाके पासपोर्ट तो मिल जाएगा मेरे बच्चे मुसलमान भी रहेंगे कि नहीं हमें तो हम अपने ईमान क्या नहीं पता क्या बनेगा बच्चों का तो और भी डर है चले किसी तरह से मैं कहूँ मेरे बच्चों का बच्चा है को उसके बच्चे वहाँ जो जाता है वापस कहाँ आता है तो उनके बच्चे कितने लोग बच्चों के ईमान की फिक्र करते हैं नहीं बस पैसा चाहिए डॉलर्स चाहिए ईमान की फिक्र है ही नहीं मेरे चाह के देखें क्या हाल है मैं वही रहता था और मैं वहाँ छोड़ के आ गया नेशनैलिटी भी नहीं दी ग्रीन कार्ड है मेरे पास अभी तक मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ मुझे मौका मिला मैंने कहा मुसलमान मुल्क पे जाए अजान की आवाज़ आती है पांच वक्त नहीं आती तो होती तो है ना हज़ारों मस्जिदों में यहाँ पर अजान की आवाज़ होती है उसकी बरकत है लोग यहाँ से छोड़ के उधर जा रहे हैं बच्चों की ईमान की फ़िक्र नहीं कर रहे लोग स्कूलों में बस भेज देते हैं बच्चों की कोई फिक्र नहीं है मेरी बलास से कि जैसा मर्ज़ी बने ऐज आने चाहिए नौकरी मिल जाए फिर वो कमाएँ दुनिया में और फिर आखिर मैं भी कबर में जाऊँ हती जर तुम्लम अल्लाकुमत्त कासर हती जर तुम्लम तुम्हें माल की कसरत के मुकाबले में ऐसे गाफिल हो गए अल्लाह कहते हैं कि कब्र में चले गए उसी गफलत में पता चल जाएगा तुम्हें होने क्या वाला आगे पता है मैं सब कितनी कम फिक्र है ईमान की मेरे भाइयों ईमान सबसे बड़ी चीज़ है इससे बड़ी दौलत कोई भी नहीं ये दौलत है मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों ये दौलत है मुझे कोई भी हम सबको इन शब अब बिलियन डॉलर दे दें और कहें कि अपना ईमान मुझे दे दो इन शह से कोई भी कहेगा तुम अपने बिलियन डॉलर अपने पास रखो मेरे ईमान की दौलत बिलियन डॉलर में नहीं बिकती ये अनमोल है प्राइसलेस है इसकी कोई कीमत ही नहीं है कोई दुनिया की दौलत नहीं खरीद सकती इसको ये सबसे बड़ी दौलत है जिसको है अल्लाह का शुक्र अदा करे दिन रात करे ला इन शक्कर तुम नजीद अल्ल को शकर करोगे अल्लाह ज़्यादा करेंगे तो भाईओ ई ईमान सबसे बड़ी क्या मत के दिन सिर्फ़ ईमान का माएगा नेक माल ईमान के साथ वला असरसानफी खुसिनदीना हाँ मनु वामिलुसान सारे नुकसान उठा रहे हैं अल्लाह कसम खा के कहते सब नुकसान में है सवाई ईमान जिसके पास होगा और नेक माल करेगा इस कॉम्बिनेशन के साथ जो आएगा वो फ़ायदे में है बस ईमान की फ़िकर करें अगर इसकी ना शुक्री करेंगे तो ऐसा ना हो ईमान चला जाए और ऐसे चला जा है जा सकता है हिफाजत करें इसकी जो हज पे नहीं जाता इन अल्लाह गनी अल्लाह को कोई परवाह नहीं है इसकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी मरे या नसरानी मरे उसका ईमान जाता है जाए इतनी शदीद वईद है जो हज पे जा सकता है नहीं जाता अल्लाह को कोई परवाह नहीं अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत का कोई जिम्मेदारी नहीं लेते जिम्मेदारी ना ले मेरे भाई तो क्या बनेगा तो अल्लाह ही नो देना ईमान और ने कहा कि इस हदीस में तो बशारत है ये जो वईद वाली हदीस है इसमें बशारत है क्या बशारत है? बशारत ये है क्या हदीस है कि अगर कोई जा सके उसके पास सारे यानी जाने के इसबाब हों आज के दौर में पैकेज हो उसके पैसे हों नहीं जाता तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वह यहूदी मरे या नसरानी मरे अल्लाह को कोई परवाह नहीं है उसके ईमान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह नहीं उठाते तो दूर कर उसकी ज़िद ले लें कि अगर कोई जाता है आज पे तो अल्लाह को परवाह है कि वो ईमान पर मरें फिर अल्लाह को इस चीज की परवाह है कि वो ईमान पर ही खात्मा हो उसका इंशाल्लाह भाइयों हज पे जाओ जो नहीं गए जो नहीं गए हज पे जाओ अपने ईमान की हिफाजत करो उस पर पे पैर डाल लो लेकिन हज मबरूर हज मबरूर वलई सली हजिलमबरूरतीवाबुलजन्ना हज मबरूर क्या होता है मकबूल हज क्या होता है जिसका वाब जन्नत है एक हदीस में कि वह ऐसे वापस आता है जैसे उसकी माँ ने अभी उसको पैदा किया है साफ़ सुथरा गुनाह उसे धुला धुलाया ऐसे आता है हज मबरूर का स्वाब है ये हज मबरूर क्या है हज मबरूर ये है कि कोई ऐसा गलत काम न करना वहाँ पर जो अल्लाह की नाफरमानी हो सारे गलत काम होता ही वो है अल्लाह की नाफ़रमानी फला रफ़ा फला फसूक़ा वाला जिद अ फिलहज व तज्बदूफ तकवा व तको नहीं उलबा अकल करो कि बेहयाई नहीं करनी थोड़े दिनों के लिए बीवी के साथ भी कोई मोहब्बत प्यार की बात नहीं करनी इतना कंट्रोल करो कोई गुनाह नहीं करना वाला वाला लाराफत वाला फसूक वाला जदाल लड़ाई झगड़ा नहीं करना आएंगे लड़ाई झगड़े के मकाम कोई कुछ कर लेगा कोई कुछ करेगा ट्रैवल एजेंट कुछ कर देगा कोई कुछ कर देगा साथ ही ये कर देगा लड़ना नहीं झगड़ना मत ये तीन काम करना और सामान भी अपना पैक करके जाना सामान ज़रूरत साथ लेके जाऊँ वह तजब अफ़ा न ख़ैर रजादी तकवा याद रखना सबसे बेहतरीन चीज़ जो साथ लेके जाओ वो तकवा है एक तो इसका मतलब है दूसरा ये है कि तकवा यही है कि मांगना मत लोगों से भीख मंग मांगना साथ लेके जाना तकवे की तकवे की अलामत में से है कि इंसान भीख ना मांगे लोगों से तो लेकिन तकवा भी साथ रख लेना और अल्लाह तहते हैं तकवा इख्तियार करना है अकल वाले लोगो अकल करो अल्लाह की नाफरमानी मत करो मेरे पास आने वाले हो तो ये हज मबरूर कि गुनाह सब छोड़ देने हैं ऐसे जाना है कि वापस आओ तो धुले धुलाए हो यानी दूसरे अल्फाज में जो अभी तक गलतियां करते आ रहे थे ज़िंदगी में करते जा रहे थे अब वो ग़लतियों से तोबा करके आना कि अब गलती नहीं करनी अब सौ फीसदरीत और सुन्नत की ज़िंदगी ये हज मबरूर ये हज मबरूर व शाइ ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर हज कराए हज कराए और ज़िंदगी नहीं बदली तो टिक माक तो लग गया कि फ़र्ज़ हज अदा हो गया ये हज मबरूर नहीं था अगर हिम्मत हो इस्तात हो पैसे हो तो एक और चक्कर लगा के आओ और तौबा करके आओ जिंदगी बदलो हजरत करो अलमहाजुरुमन हाजरा क्या है असल महाजर वो है जो कि अल्लाह की इताद की तरफ हिजरत करें अपनी जिंदगी में हिजरत करके आओ जी जजाकल उस तरफ हिजरत करो जो अल्लाह ताला ने यानी उस चीज से हिजरत कर जाओ जिससे अल्लाह ने मना किया यानी गुनाहों की जिंदगी छोड़ के नेकी की जिंदगी पे आ जाओ ये है हज अल्लाह के घर जा रहे हैं लब्भिक लबई के नारे लगा रहे हैं और ये तलबी ख़ैर तफसील तो नहीं है लेकिन एक अजीब नारा है सारी हदीस में आता है जब तलबिया पढ़ता है ना मुसलमान जितनी मखलूक है दाएँ बाएँ पूरी ज़मीन में मशरक़ से लेकर मगरब तक इसके साथ तलबिया पढ़ती है पत्थर क्या पत्थर क्या मट्टी क्या दरख्त सब मामिन मुस मामिन मुस्लिमिन योलबी लब्ब्ब्ब्ब्ब मन अयमिनी ही व शुमाली ही मिन हजर नजर नव मधरिन हत्न अर्दू मिन हा هنا वहा हुना सब पूरी मखलूक मशरक से मगरब तक इसका तरबिया पड़ती है मैं सुनाई नहीं देता खैर तो मेरे जब इश्क़ इश्क का इजहार कर रहे हो तो फिर आशिक़ बनो ना ये क्या बात है फिर अल्लाह की मान के चलना फिर ये हज मबरूर ये करके आना नेक बन के आना और उसका इंतजार भी मत करना आज ही से तोबा कर ले आखिरी बात करता हूँ बात खत्म करता हूँ के कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं मैं कैसे जाऊँ मायूस होके बैठ जाते हैं पहली बात तो मायूसी को ना है थोड़े हाथ पैर मारो मेरे भाइयों कितने लड़कों को मैंने देखा है कहते जॉब नहीं मिल रही जॉब नहीं मिल रही घर बैठे रहते हैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक सोते रहते हैं वक्त करते हैं कुछ तो कर लो कुछ ही कर लो टैक्सी चला लो ऊबर चला लो करीम चला लो जो भी कुछ कर लो कहीं जाके किसी रेस्टोरेंट में जाके बर्तन धो लो मैंने तो जी मास्टर्स किया हुआ है तो कोई बात नहीं है मास्टर्स किया हुआ तो क्या हुआ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? असल में मोटा नफ्स है ना कहता नहीं बैठे रहेंगे सालों लेकिन जाके दो पैसे नहीं कमाएंगे प्लीज़ एक तो ये ये गलत बात है आप चाहे अमेरिका में चाहें अमेरिका में देखें आप हर बंदा हर और जॉब कर रहा है वहाँ पे किसी को शर्म नहीं आती ये अपने मुल्क आते हैं सबको शर्म आनी शुरू हो जाती ऐसी क्या बात तो कुछ कर हिम्मत मत हारो मेरे भाईयों प्लीज़ हिम्मत मत हारो कुछ भी कर लो लेकिन ऐसे सुस्त मत बनो मर्द बनो कोई कॉन्ट्रीब्यूट करो सोसाइटी के अंदर प्लीज शादियां हुई हुई हैं तो अपनी बीवियों को का जिम्मेदारी उठाओ सारे के सारे बीवियों से नौकरियां करा रहे हैं ख़ुद कुछ करते नहीं हैं तकफिरलल्ला कैसे मर्द हिम्मत नहीं हारो कुछ तो कहते जी मैं तो हज पे मैं तो नहीं जा सकता मेरे रोज तो है ही कुछ नहीं तो कुछ तो करो अल्लाह को अपनी तलब तो दिखाओ अगर वाकई जाने का शौक़ है मैं एक वाक्य बताता हूँ बात ख़त्म करता हूँ हजमोना मुफ्ती तकी यास्मानी साहब दावत बरकतो हमने एक वाक़ा बताया कहते हैं कि मेरी बड़ी हमशीरा मेरी बड़ी बहन साहबा रहमत ललिया उनका इंतकाल हो चुका अब कहते हैं कि वो एक दफ़ा मेरे वाले साहब हजमोला मुफ्ती शफी साहब रहमत लाई के पास आई उन्होंने कहा कि वालद साहब मेरा दिल बहुत है हज पे जाने का मेरे शोर की तनख्वाह बड़ी मखसू लिमिटेड है लगी बंदी आती है तो हज पर जाना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है उस वक्त की बात है जबकि हज आसान होता था फिर भी तो कहते मेरे वाले साहब ने उनसे एक सवाल पूछा उन्होंने कहा तुमने कोशिश क्या की ये बताओ तो उन्होंने कहा कोशिश तो कुछ भी नहीं की तो तुमने कहा ये क्या ये तो बात ठीक नहीं हुई कि कह रही हैं कि हज पे जाने का शौक है कोशिश कोई नहीं की कि तो क्या कोशिश करूँ आप बताइए उन्होंने कहा कि जो भी कभी महीने के खर्च के बाद अगर कुछ भी बच जाए एक आना दो आने आने तो किसी ने नहीं देखे ना हमने चार तक तो देखे हुए हैं चार आने होते थे उससे कम मैंने भी नहीं देखे खैर देखे हैं वैसे देखे हाँ पाँच पैसे भी देखे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भी आप जितनी हूँ <laughs> तो एक आना दो तो आने जो भी है कुछ तो बचा लो फिर अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह बुला ले अपनी तो कोशिश करो अब वो तो दारी बात है ने खातून बात समझ गए मान ली तो कहते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दावत बरकात हूँ कहते हैं कि मेरी हमशीरा का इंतकाल हो गया चल रहा है कि नहीं चल रहा कहते हैं कि मेरी हमशीरा का इंतकाल हो गया तो जब उनके तरके का के बारे में देखा गया तो उनके तरके में से इधर इधर इधर, इधर भाई हो मैं इधर हूँ उनके तरके में से एक थैली निकली और उस थैली पे लिखा हुआ था हज के लिए और उस थैली में जब गिना गया पता नहीं कितने सालों से जमा कर रही थी तो उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो उसमें सोलह रुपए थे सिक्सटीन तो कहते हैं कि अल्लाह की बंदी ने कुछ किया सोलह रुपये में हज नहीं हो सकता था लेकिन उन्होंने जमा कर लिए सोलह रुपये थोड़ा थोड़ा एक, आने आने जमा करके कहते हैं मेरे वालद साहब ने सोचा अब क्या करें इंतकाल हो गया उनका तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सोचा कि कोई मक्का मक्रमा में अगर बंदा मिल जाए तो वो तो, तो लोकल है उस वक्त तो पैकेजेस भी कोई नहीं था बंदा वहीं पे बैठा है जाके अरफात चला जाए फिर जाके हज अफरात पर तो कुर्बानी भी कोई नहीं होती है जो सिर से हमरानी होता तो बस रफात चला जाएगा घर तो में ही बैठा है ना अरफात जाएगा तो हजारत यानी अरकान कर लेगा कितना ख़र्चा हो जाएगा तो ये सोलह रुपये उसके लिए तो काफ़ी हो जाएंगे उस वक्त के लिए तो किसी को ढूँढें कि मक्का मुकरमा में अगर कोई हो तो वो इनकी तरफ से हज बदल कर लें तो कहते हैं ऐसे बंदे का इंतज़ाम किया गया उन तक एक रकम पहुँचाई गई और उस बंदे ने इनकी हमशीरा के बाद इनके इंतकाल के बाद हज बदल किया कहते हैं वो जो हज था जिसमें उनका हज बदल किया गया कहते हैं कि जिस दिन अरफात था मेरे वाले साहब ने ख़्वाब में उस रात देखा कि उनकी बेटी अरफात के मैदान में है कुछ तो करें कोई तो हिम्मत करें कुछ तो बचाएं, अगर नहीं है और अल्लाह से दुआ मांगते रहे अल्लाह बुला लीजिए बुला लीजिए हजवे बुला लीजिए मांगे दावत तो अल्लाह ने दी है अब असबाब भी पहुंचा दीजिए कुछ करिए नसीब में होगा चले जाएंगे नसीब में नहीं होगा तो इन कुछ ऐसा ही मामला होने वाला है इनशा क्या मत के दिन उठेंगे बड़ा अंबार होगा इनशाला लेकिन अल्लाह ये क्या है तो मेरे कुछ नज़र नहीं आ रहा है अल्लाह कहेंगी हजतारा कौन सा हज मैं तो कर ही नहीं पाया था ही नहीं कुछ तो उस दिन इनशा राज़ खोलेगा ये अल्लाह से उम्मीद है मेरी कोई दलील नहीं है लेकिन उम्मीद है हुसन जन है अल्लाह से और मेरे भाइयों मत इंतज़ार करो कि जब मेरी इतना सफ़ेद बाल आ जाएंगे फिर जाएंगे नौजवानों जाओ जाओ जवानी की इबादत अल्लाह को इतनी महबूब है क़यामत के दिन सिर्फ़ एक साया होगा बाकी पसीना गर्मी धूप और उसके अंदर एक शख्स वो होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता था नौजवानी में जवानी में अल्लाह की इबादत करता था अल्लाह से इतना प्यार करते हैं उसको इकराम के तौर पे अपने अर्श में जगह अर्श के सये में एक हदीस के मुताबिक जगा देंगे अभी जाओ क्या इंतज़ार कर रहे हो किस चीज़ का कर रहे हो सब चाहें जिसने नहीं किया सब चाहिए जिसने अभी तक हज नहीं किया और वसाइल मौजूद हैं सब चाहिए और मुझको भी याद रखिएगा बहुत बहुत आज और दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी बुला लें बार बार बुलाएं एक ऐसी जगह है जहाँ से कभी भी दिल नहीं भरता कभी दिल नहीं भरता दिल चाहता है रोज़ ही जाए हर महीने जाए हर साल जाए ऐसी जगह है जैसे आसमान को देख के कभी दिल नहीं भरता ना आसमान को देखता रहे रोज़ देखे कभी बोर हुए आज तक आसमान को देख के कभी बोर नहीं होता इंसान नीला आसमान कुछ भी नहीं है इस दिन के वक्त रात को तो फिर भी अल्लाह ने उसको डेकोरेट कर दिया सितारों से और चांद से दिन में तो कुछ भी नज़र नहीं आता साफ नीला आसमान लेकिन कभी दिल नहीं भरता इसी तरीके से कहाबतुल्ल वो एक अल्लाह की जगह है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक रोज़ा अतःर ये दो ऐसी जगह हैं कभी दिल नहीं भरता वापस आता है तो बोझल दिल के साथ फिर कब आऊँगा फिर कब वापसी होगी तो भाइयों ज़रूर जाइए दुआओं में याद रखिए अल्लाह तब को तोहफ़ी कता फ़रमाएँ बा आखरदाना रब्बिल आलमीन सब लोग तौबा कर लें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें जो गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में मैं भी मांगता हूँ आप भी तौबा करें सब लोग करें फ़राइज को मत छोड़ा करें नमाज़ों की पाबंदी किया करें मर्द हजरात मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करें प्लीज़ मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करें सुबह शाम इस्तार भी किया करें अपनी गलतियों से दुरूज शरीफ सुबह शाम कुरान की तिलावत थोड़ी देर के लिए अल्लाह से लौ लगा के बैठा करें मुराकबा जिसको कहते हैं आंखें बंद करके मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है मैं बस बैठा हूँ अल्लाह की याद में रोज़ाना थोड़ा वक्त निकाला करें इन श्ला तौफ़ी का तय फरमाए सब लोग तोबा कर लें और मेरे साथ इन कलिमात को भी पढ़ लें तजदीद ईमान है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है तो मेरे साथ मैं भी करता हूँ आप भी करें कलमात पढ़ के अगर कोई नीयत बेत तौबा की भी करना चाहता है तो उसकी भी नीयत कट सकता है तो सब लोग अखलास के साथ मेरे साथ कह लें। बसमलर ला महमदरसूल आमंतबिल्ला व मलाति वकुतबीही व रसुल व्या आखिरी والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب اليه برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله <coughs> يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا هنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا هادي يا نور يا كريم يا وهاب يا معز يا رزاق يا ستار يا شافي الأمراض ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات يا قابل التوب ويا غافر الذنوب يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين

या अल्लाह हम सबको या अल्लाह हज़ पे बुला लीजिए मेरे मालिक अल्लाह जिन्होंने हज नहीं किया आज तक ज़िंदगी में मेरे प्यारे अल्लाह या अल्लाह उनको हज की तौफीक अता फरमा दीजिए और जिन्होंने हज किया है मेरे मौला उनको भी दोबारा हज की तोफ़ी अता फरमा दीजिए याहमर राहमीन या अल्लाबाब भी आप ही के हाथ में है मेरे मालिक तौफीक भी आप ही के हाथ में है ये आमर राह इसबाब भी अता फ़रमा दीजिए तोफ़ी भी अता फ़रमा दीजिए अला हिदायत भी अता फ़रमा दीजिए ए आमर राहन बार बार अपने घर की जीारत की तोफ़ी अता फरमाइए बार बार नबी करीम सलासम के रोदा मुबारक की ज़्यारत की तोफ़ी अता फरमाइए मेरे मौला ईमान की हलावत अता फ़रमा दीजिए ईमान की कैफियात अता फ़रमा दीजिए या अल्लाह दिलों में इतमिन अता फ़रमा दीजिए अपनी शदीद मोहब्बत अता फ़रमा दीजिए अल्लाह नबी सलाम की जानसार मोहब्बत अता फ़रमा दीजिए अल्ला नेकों की मोहब्बत हो नेकी से मोहब्बत हो या अल्लाह मोहताज है दुनिया आखरत के सारी ज़रूरियात का या Allah, आप इंतज़ाम फरमा दीजिए इसबाब अ फ़रमा दीजिए या अल्लाह हमारे घर वालों हमारी औलाद हमारी नस्लों की हिफाज़त फरमाइए उनको नेक बनाइए अल्लाह हम सबको अपने दीन का ख़ादम बनाइए या अबिल नहीं है कबूल फ़रमा लीजिए जारी बातें तो फितनों से बचा लीजिए या अल्लाह हमारे वालदेन पे भी रहम फरमाइए रबर हम हम कमा रबा यानी सवीरा अल्ला व वालदे जो आपके पास आ चुके हैं उनकी मफ़रत फरमा दीजिए या अल्लाह जो हयात हैं उनकी हर चीज़ में बरक़त अता फ़रमाइए हमें आफियत के साथ उनकी खदमत की तोफ़ी अता फ़रम यामर राहमी उन्होंने काबरीन मशाइ की हिफाज़त फरमाइए अल्लाह जो बीमार है सबको सेहत दे दीजिए या हमर राह या अल्लाह जिस जिसने दुआओं के लिए दुनिया आखरत की तमाम नेमतें उनको अता फरमा दीजिए सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए अल्लाह तीनों हरम की हिफाजत फरमाइए मेरे मौला उम्मत की अपने जनूद से नुसरत फरमाइए या लबन से मुलाकात की तोफ़ी अता की तैयारी की तोफ़ी अता फरमाइए और जब वक्त मुकर्र आए तो मेरे मालिक कलमे की आफियत की आसानी की आपकी तरफ से मफ़रत और रहमत की बशारतों वाली मुलाकात अता फरमाइएगा आगे की मनाजिल को आसान करके बिला हिसाब किताब हम सब सबको नबी करीमत के कदमों में या उनकी शिफात से अपनी रहमत से हम सब को जबा फ़रमाइएगा और अपना दीदार बेहिजाब और अपनी तयमी रज़ा अता फ़रमए रब बनाला तो आखनासी वा रबना वाल तहमिल इस रंग कमा हमल तोना ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله